गुड मॉर्निंग। जल्दी आ गई तुम। देर से आने से तो बेहतर है। लगता है आज कोई नहीं है। सफाई आप खुद कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी कर लेना चाहिए। आपको पसंद है दरिया? हाँ बहुत। और तुम्हें? इतना ज्यादा पसंद नहीं, मुझे ये थोड़ा परेशान कर लगता है। साल में एक दफा आती हूँ बस, वो भी तफरी के लिए, और सर्दियों में तो मैं बिल्कुल नहीं आती। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सूरज के नीचे भी नहीं बैठ सकती हूँ। अगर तुम वाकई दरिया की मजे लेना चाहती हो तो छोटी सही कश्ती जरूर होनी चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। एक 40 मीटर की कश्ती है हमारे पास, अगर सौदा हो गया तो वो मेरी है। मजाकरा चल रहे हैं? नहीं, तुम्हें इतनी बड़ी की जरूरत नहीं, छोटी से भी काम चल जाएगा। वैसे मेरा मतलब, पहले हमारे पास होती थी, हम आइलैंड पे जाते थे बाबा के साथ फिशिंग करने के लिए। बहुत अच्छा लगता था। मुझे फिशिंग करना नहीं पसंद, मेरे जैसे इंसान के लिए ये काम बहुत थका देने वाला है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। इंतजार करने में ही तो मजा है। वैसे क्या तुम इंतजार करते हुए बातें कर सकती हो? शायद आप ऐसा करते होंगे। पहली दफा जब बाबा के साथ फिशिंग के लिए गया था, हमने मछली की डोर फेंकी और शिकार का इंतजार करने लगे। बाबा फिशिंग के माहिर थे, उन्होंने खूब शिकार किया और मैं सिर्फ खड़ा उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वहीं खड़े खड़े मुझे लगा कि मेरी डोर में भी कुछ फंस गया। देखा तो वो लकड़ी थी। उसके बाद बाबा खूब हंसे मुझ पे। फिर बाबा ने सिखाया मुझे, लेकिन फिर शिकार नहीं किया मैंने। वो क्यों? मुझे लगता था कि शिकार मेरे बस की बात नहीं। बस यही वजह थी कि मैंने शिकार करना छोड़ दिया। वैसे माहीगीर हमेशा पहली मछली छोड़ देता है। जिस मछली का मैंने घंटों इंतजार किया वो कहीं पानी में गायब हो गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है शिकार में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पसंद आया, मेरे ख्याल से अच्छी रस्म है। फिर एक दिन मेरे बाबा ने कहा, दरिया का एक उसूल है, आप नहीं बल्कि मछली आपको मुंतखब करती है। अब तुमने मछली को छोड़ दिया है, लेकिन वो चाहेगी तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। फरीद साहब, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या कर रहा है? तुम आजाद हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारे बीच। लेकिन ये आपने क्या किया? मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, सब कुछ तुम पर है। जहां चाहो वहां जा सकती हो तुम, तुम्हारा फैसला है। आपका शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया नाज़ली, हर चीज के लिए। मेरे बॉस इतना सख्त भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। मैं जैसे ही शौक से निकली फौरन यहाँ चली आई। जब मेरा फोन बजा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। नाज़ली, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। आपको कैसा लगता है? आजकल मुझे अपने फैसलों पर यकीन नहीं है। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर की आवाज कह रही है कि सब अच्छा हो जाएगा। फरीद साहब। हाँ ताहिर, आ जाओ। एंगिन साहब ने बताया कि आप यहाँ हैं। दरअसल मैं आपसे खुद यहाँ आकर बात करना चाहता था। क्या बात है ताहिर? जैसा कि आपने मुझे आसुमान के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। हाँ बोलो। उसकी तहकीकात करते वक्त कुछ ऐसा पता चला जो मिस नाज़ली आपसे छुपाती रही है। क्या मतलब है इसका? दोनों बहनें एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। आसुमान के बारे में पता लगाते हुए नाज़ली मुझसे क्या छुपा रही है? नाज़ली साहिबा रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रही है। क्या मतलब रेस्टोरेंट? जी हाँ फरीद साहब, जितना मालूम हुआ उनकी एक साथी भी है। कौन, क्या वो डेनिश है? जी नहीं सर, कोई जापानी औरत है, उसका नाम है मनामी।
ये रेस्टोरेंट कहाँ है? हम यहाँ काम नहीं कर सके क्योंकि हमें खाना बनाना नहीं आता, वरना ये लोकेशन बहुत अच्छी है काम के लिए। नाजली, मुझे लगता है तुम यहाँ बहुत आराम से तरक्की कर सकती हो, और मनामी, एक बहुत अच्छी सहेली मिल गई है तुम्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। अगर इजाजत दो तो अब मैं चलता हूँ। अब से ये जगह तुम्हारे हवाले है, ये रही चाबी। लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया अभी। लड़की, जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर देना, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मेहमत साहब, हम दोनों इस जगह में थोड़ी सी तब्दीलियां करना चाहते हैं। अली साहब यहाँ पे 50% के पार्टनर हैं, इसलिए हमने सोचा कि मशवरा ले लें। नाजली, मोहम्मद की तरह अली भी बहुत जगह पार्टनर है, इसलिए वो ज्यादा वक्त यहाँ नहीं गुजार सकता। वो सिर्फ होटल खोलने और रात के खाने के लिए यहाँ आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से मुबारक हो। हम कल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करेंगे। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। गुड लक माय डियर। बहुत शुक्रिया। ठीक है लड़कियों, फिर मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं। देखो नाजली, ये काम भी हो गया। ये हमारे ख्वाबों की चाबी है। अब हम कहाँ से शुरू करें, बताओ हम क्या करें? मेरे पास सब इंतजाम है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें कौन से काम करने हैं। हमें इस जगह में थोड़ी सी तब्दीली करना होगी और वो कैफे की तरह लगना चाहिए। मेरे भाई की मौत ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, और सिर्फ सिखाया नहीं बल्कि मुझे ये एहसास भी दिला दिया कि हमारी इस छोटी सी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात और बहुत इम्तिहान है। तुमने ठीक कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की। शुक्रिया। लेकिन अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती हूँ। हाँ जरूर, जब तुम चाहो। अब सिर्फ मेरी जिंदगी में मेरा शौहर, मेरा भाई, भतीजा और नौकरानी है, और मेरी हमेशा से ये कोशिश है कि सबको खुशगवार माहौल दे सकूं। वाह डेनिस, क्या बात है! कसम से चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में। ये क्या चीज है? वाह वाह, मुझे कुछ याद आ रहा है, ऊपर जाने का रास्ता भी था। डेनिस, तुम्हें कुछ बता सकता हूँ मैं? ये नौजवानों के लिए बेहतरीन जगह है, बिल्कुल जैसा मैं सोचता था, बेहतरीन जगह। तुम इसे गोदाम कह रहे हो? हाँ हाँ, ऐसा ही कहा, पर तुम उस बात को सच मत समझो। था लेकिन उस वक्त मैंने इस जगह को सही से देखा नहीं था, वरना मैं कसम खाता हूँ डेनिस, क्योंकि ये सब चीजें, ये सजावट, ये ड्रम्स, ये बाइसाइकिल वगैरह, ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हकान, क्या तुम यहाँ पर सजावट की बातें करने आए हो? मैं तो बस मिलने आया था। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आज कंपनी में बोर हो गए थे और वहां से जल्दी चले आए, मैं बस यही पूछने आया था। मैं ठीक हूँ। सुनो, देखो यार, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तुम्हें इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप, स्कूल प्रिंसिपल, मैं, दोस्त, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। कभी कभार हम इस तरह उदास हो जाते हैं, चीजों को ज्यादा गहराई से सोचते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन आप ठीक हो जाते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं कॉफी बनाता हूँ, ये अच्छा रहेगा। क्या ये बात सही है कि आप अर्सुला होल्डिंग के मैनेजमेंट में भी शामिल हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ये कह सकते हैं कि अब हम साथ काम करेंगे, बिजनेस और फैमिली दोनों लिहाज से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी को भी तिमिर और जैनब की कमी महसूस ना हो। मैं फौरन इसके बारे में एक मजमून तैयार करती हूँ। जबरदस्त इत्तेहाद, सेक्टर की दो बड़ी कंपनीज एक ही छत के नीचे काम करेंगी। मुझे गलत ना समझिएगा, इसको अगर इत्तेहाद ना कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों कंपनियां अपने वजूद को जिंदा रखना चाहती हैं, क्योंकि दो लोगों ने खानदानी दोस्ती कर ली है। पुसूला होल्डिंग और देहास होल्डिंग अब साथ साथ होंगे। ठीक है, मैं इसका कुछ इंतजाम करती हूँ। वैसे पुसूला होल्डिंग से पब्लिक मैनेजर मैं ही हूँ, तुम पहली हो जिसे मैं बता रही हूँ। तुम अपने अखबार में इस न्यूज को जरूर छापना। वाकई मैं जरूर छापूंगी। हकान, ये मैं समझना कि मुझे तुम पे एतमाद है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, और ये भी कि तुम कैसे अपनी इज्जत बचा रहे हो। तुम सच कह रहे हो या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, मेरे पास बहुत वक्त है, इंतजार करेंगे। हकान, तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? तुम नीलामी में उलझे हुए हो या नहीं? तुम वाकई मेरी बहन से प्यार करते हो के भी या नहीं? साले साहब, बस यहीं रुक जाओ,
जब बात तुम्हारी बहन की हो तो उसके आगे कोई बात अहमियत नहीं रखती मेरी जिंदगी में। तुम मेरी जिंदगी में हर चीज के ऊपर सवाल उठा सकते हो डेनिस, लेकिन तुम्हारी बहन के प्यार के आगे कोई भी नहीं आ सकता, हालांकि तुम भी नहीं। ना तुम ना कोई और सवाल उठा सकता है। तुम्हारी बहन के लिए वो कंपनी, उसके टेंडर, उसके ट्रक्स, हर वो चीज जो सांस ले रही है, मैं आग लगा दूंगा। क्या हुआ डेनिस साहब, मैं किसी से मिलता हूं क्या? मैंने किसी की याद दिला दी आपको? परेशान मत हो, मैं बताता हूं। मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह बात की डेनिस, तुम मेरे जैसे हो और मैं तुम्हारे जैसा, हम एक जैसे हैं। तुम उस फरीद के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, इस बात को याद रखना। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर काम मोहब्बत से करते हैं, मोहब्बत के लिए करते हैं और मोहब्बत से करेंगे। कॉफी के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारी बहन के साथ कंपनी में ही पी लूंगा। बहुत शुक्रिया। हाय कितना प्यारा है ये। नाजली मेरी जान, मैं दुआ करती हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो और तुम बहुत सारे पैसे कमाओ। तुम बहुत बहुत तरक्की करो मेरी जान, मैं दुआ करती हूँ। यार फतोश, इंशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो। वैसे भी हम एक दूसरे के लिए ही हैं। तुम मेरे साथ रहोगी है ना? क्या मैं इसको अपने लिए मुलाजमत की पेशकश समझूं? हाँ बिल्कुल मेरी जान। अरे अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ जरूर काम करूंगी मेरी जान। मैं वादा करती हूँ जब भी मुझे काम के बाद भूख लगेगी मैं सीधा यही खाना खाने आऊंगी। ये जो तुम खा रही हो 2 महीने पुराना है। मैं तुम्हें कोई मुफ्त का खाना नहीं दूंगी, इसलिए खुश मत हो। उफ़ो आपा, ऐसे तो मत करे, हद होती है। क्या अपनी बहन से खाने के पैसे लेंगी? हाँ भाई एक बात बता दूं कि कारोबार में कोई बहन बहन नहीं होती। हाँ अगर तुम यहाँ पर लोगों को घेर घेर कर लाओ और हमारा कारोबार बढ़ाओ तो जरूर तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल सकता है। क्यों भाई नाजली? हाँ ये हो सकता है। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को खाने पे यहाँ ले आऊंगी, वो पैसे भी दे देंगे और मुझे बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। हाँ कहीं पता चले कि ये दोस्त के नाम पे फरीद साहब को यहाँ लेकर आ गई। क्या मतलब उन्हें नहीं पता? फिलहाल तो नहीं, पर उनसे बात करके पता चल जाएगा। अरे बाहर फरीद साहब खड़े हैं। हाय हाय, चलो चलो नाजली मैं चलती हूँ, ठीक है ना? बहुत देर हो गई, चलो चलती हूँ, ख्याल रखना। हम बस जा ही रहे थे फरीद साहब, और मैं तो से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर आई थी यहाँ पर, बस अभी निकल ही रही हूँ मैं। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। खुशामदीद। खुशामदीद मैडम। आसुमान मुझे लगता है तुम अपना किया हुआ वादा भूल चुकी हो। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाना पड़ेगा कि मुझसे दूर रहा करो। मुझे अपना वादा अच्छे से याद है, क्योंकि ये बात तो मैंने हर एक से छुपाई हुई है कि आप हकान साहब के बच्चे की कातिल हैं। ठीक कहा ना? और ये बात भी नहीं बताई कि मैंने फरीद साहब के घर से आपके लिए फाइल्स चुराई थी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने साथ। वैसे मैंने आपको इसलिए रोका था कि अगर आप मेरे राज को सबके सामने खोल भी दे तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी बहन अपना रेस्टोरेंट खोलने वाली है। और आपको तो वैसे इस बात से बहुत खुशी होगी ना, क्योंकि मेरी बहन ने फरीद साहब के घर से काम छोड़ दिया है, या यूँ कहले किस्सा ही खत्म हो गया। हाँ अच्छा लगा सुन के, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बात सुनने के बाद नहीं चाहेगी कि ये बात बाहर आए, और अगर ऐसा हुआ तो फरीद से कभी भी नजरें नहीं मिला पाएंगी। इस बात पर तो मुझे पूरा यकीन है कि जो औरत अपने बच्चे के कत्ल का राज छुपा सकती है उसके लिए मेरा राज छुपाना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। कब जान छूटेगी इससे? नई जगह के लिए मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। आपको इस जगह का कैसे पता चला? शायद अभी मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। वो इस्तीफा तुमने यहाँ रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिया था ना? जी हाँ यही बात है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब है क्रूज पर रेस्टोरेंट खोलना, लेकिन उस वक्त तुमने इन सब चीजों के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन सिर्फ एक बात जो मेरे समझ नहीं आई कि ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपको बता देती फरीद साहब तो आप एक बिजनेसमैन की तरह मेरी मदद जरूर करते। आपको शायद ये जगह पसंद नहीं आती,
फिर अपना कोई सजेशन देते आप मुझे कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए और वो मुझसे नहीं होता। तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है और शायद वो लोगों को पसंद भी आता, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं इस जगह के लिए खुद लड़ना चाहती थी। मैं सारे मसलों का हल खुद से ढूंढना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी एहसान लूं किसी का। मैं इस जगह के साथ खुद भी बदलना चाहती थी, बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। जैसे? तुम सिर्फ आजाद होना नहीं चाहती थी नाजली, बल्कि तुम्हारा मकसद मुझसे दूर भागना था। पर मैं नहीं भाग सकती। क्या तुम ये कह सकती हो कि तुमने आज तक जो बात भी की है वो मुझसे सच की है? तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, क्या ये कह सकती हो? मतलब मैं सही सोच रहा था। बेहतर होगा मैं यहाँ पर अकेले ही गाऊं। ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, बहुत खूब मेरी जान। ध्यान से। हाँ, कैसी है फतूश? चलो, बहुत अच्छे आलिया। अगर हमारे म्यूजिक को इतना पसंद किया जा रहा है तो हम यकीनन आगे जाएंगे। हेलो, कैसी है फतूश? कैसी हो फतूश? बहुत खुश लग रही हो और प्यारी भी, क्या बात है। हाय आलिया, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ, बस मेरे ख्वाब पूरे होने वाले। एंगिन से मेरा पैचअप हो गया। अच्छा? हाँ, और नाजली भी अपने रेस्टोरेंट खोलने वाली है। क्या वाकई? पहले हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। नाजली की एक जापानी टीचर है, वो एक रेस्टोरेंट खरीद रही थी और उन्होंने नाजली को हिस्सेदार बना लिया। हम सोच ही रहे थे कि ये सब कुछ कैसे मैनेज करें। पता नहीं फरीद साहब को इल्हाम हुआ या उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने नाजली को आजाद कर दिया। तो नाजली रेस्टोरेंट खोल रही है? हाँ ना यार, मैं यहाँ डेनिस से बात करने आई थी। अब मुझे नाजली की मदद करनी होगी ना, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि डेनिस उस बात को समझेगा मेरी, आखिरकार वो भी तो एक कारोबारी आदमी है ना। अब जब नाजली खुद कारोबार कर रही है तो हमें उसकी मदद करनी होगी ना, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर होगा। मेरी बात याद रखना तुम, ठीक है? चलो मैं डेनिस से बात करके आती हूँ, तुम वेट करो मेरा, ठीक है? नहीं बाबा जान, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी से उधार लूंगी? हम सिर्फ बैंक से उधार लेंगे और 2 महीने तक कुछ पे भी नहीं करना। लेकिन बेटी, तुम वो लोन अदा कैसे करोगी? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। बाबा, शुरू में मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन हम सब कुछ संभाल लेंगे। शुरू में मुनाफा कम होगा, पर जैसे ही रेस्टोरेंट चलने लगेगा हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला किया है तो तुम कामयाब हो जाओगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हारी अम्मी सलाम भी कह रही है। मेरा भी सलाम कहिएगा उन्हें बाबा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। आप जल्दी से इस्तांबुल आ जाइए। हाँ, जल्दी आएंगे, मुझे भी तुमसे मिलना है। चलो बेटा, मैं कॉल काट रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा जान, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सब सही होगा। हाँ, तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिएगा। ठीक है दैनिक साहिबा। हाय फरीद, कैसे हो? थोड़ी देर पहले मैंने पब्लिक रिलेशन टीम से बात कर ली थी। जैनब के जाने के बाद कुछ काम अधूरे भी रह गए थे, कुछ लंबे दौरानिया के मंसूबे थे जो शुरू ही नहीं हुए, तो इसी वजह से मैंने उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। और कैसे काम करना है ये भी सोच लिया है। वैसे तो इसमें कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं, लेकिन पर मेरे मुताबिक काम शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा तो और कुछ मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में कुछ फजूल चीजें भी हैं, उन्हें हटाकर हम अपना काफी खर्चा कम कर सकते हैं। गुड वर्क। शुक्रिया। फरीद, जैनब और दमीर इस कंपनी की बैकबोन थे, और अब उनके चले जाने के बाद हम काफी हद तक पीछे जा चुके हैं, यानी कंपनी की साख में काफी फर्क पड़ा है मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। मैं यहाँ पे काम कर तो रहा हूँ, नाम और शोहरत दोनों तो है, मुझे किसी और चीज में शामिल मत करो प्लीज। तुम अकेले नहीं हो फरीद, मैं हूँ अब तुम्हारे साथ, और हमें साथ खड़े होकर इस कंपनी की रेपुटेशन ऊपर लानी है। कंपनी के नए चेहरों को गुड लक। कैसे हो? अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू फरीद, कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है। वेलकम हकान, जो रिपोर्ट तैयार की थी वही दिखा रही थी फरीद को।
यहाँ तो पहले हमारे बाबा, फिर जैनब और दमीर, और अब तो मैं और डेनिस इस कंपनी की फ्रंट लाइन में हैं, ये मत भूलना। चलो हकान, मेरे रूम में चलो। तुमने यहाँ आके मुझे हैरान कर दिया है, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे इस जगह की इतनी याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए थे तुम्हें यहाँ आए हुए। पर यहाँ आके हमेशा अच्छा महसूस होता है, खुशामदीद। कुछ ठंडा पियोगी? मेरे पसंदीदा मेजबान, हाँ जरूर पियूंगी। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंखें तो खुशी से चमक रही हैं। क्या हो गया? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सुन रहा हूं। मैंने, नाजली ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है डेनिस। क्या? तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट? अपनी जापानीज टीचर के साथ मिलके। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ना शायद? वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, फरीद साहब ने उसे फाड़ के फेंक दिया। मनामी ने मुझे उस कारोबार के बारे में बताया था, हालांकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर अब ऐसा लगता है कि मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यही है, पता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने की शुरुआत है ये, समझो। हालांकि मुझे तुम्हारे सपने के बारे में नहीं पता था कुछ भी। कि मेरा बहुत पुराना ख्वाब था एक्चुअली, पर ये हकीकत से बहुत दूर था, इसलिए अभी तक इसका जिक्र नहीं किया मैंने। पर अब जब मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और तुम्हें ये बताना चाहती थी। बहुत अच्छा किया। जब तक तुम खुश होना नाजली, मैं सच कहता हूँ कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कसम से। मुझे बहुत खुशी है। हाँ, बस मुझे तुम्हारे अच्छे खानों की याद आएगी बहुत। तुम फिकर मत करो, तुम मेरे खाने को मिस नहीं करोगे। मैं अभी भी तुम्हें कुकिंग का मशवरा देती रहूंगी, और उसके साथ जब तक काम शुरू नहीं होता मैं आती रहूंगी। और कल मुझे बैंक जाना है, फिर मुझे बावर्ची खाने में देखना है कि हमारे पास क्या चीजें नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए, पर तुम्हारी अहमियत अपनी जगह पे ही रहेगी। चीयर्स। मुझे पता था कि तुम्हें खुशी होगी जानकर। बेशक। डेनिस, कल हमारी सपेंस में एक मीटिंग है, वहां मिस कतना और उनके शोहर भी होंगे, और हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ फरीद जा रहे हैं। उसके साथ जाना चाहते हो क्या? अरे भाई, मैं वहां जाके क्या करूंगा यार? कुछ नहीं यार, बस मजे करना वहां पे। बस वहां पे जाके एक दो तस्वीरें खिंचवाना, और उसके बाद तुम्हारी तस्वीर एनुअल रिपोर्ट में आ जाएगी, यही करना है। ताजा हवा, अच्छा खाना भी होगा वहाँ। अभी फरीद आ रहा है, बाकी वो खुद बता देगा तुम्हें। यार मैं तो बस सिर्फ जरूरी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, और कुछ नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, देखो आ गया मिस्टर फरीद साहब। मैं अभी से वहां होने वाली मीटिंग के बारे में बता रहा था। खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तुम कहते हो तो हम दोनों साथ चलें, इस भीड़ से दूर इंतहाई सुकून माहौल में, ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल। मैं सालों से इस दुनिया की भीड़ से बहुत दूर था, अब जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो डेनिस, हम दोनों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। हम दोनों के बीच में ये जो तनाव आ गया है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। फरीद, तुम मुझे अपनी तरफ करना चाहते हो बस। तुम्हें मैं हकान के साथ अच्छा नहीं लग रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, फरीद का ये मतलब नहीं था। गौर से समझो बात को। मैं समझ गया, और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। ओके, मैं चलता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। क्या मेरी खूबसूरत बीवी काम कर रही है? गुड लक। थैंक्स जान। हाँ कहो। मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाली थी, डेनिस की तरफ चलते हैं, मुझे उससे कुछ काम है।
आज नहीं जाएंगे, कल सुबह गया था मैं उसकी तरफ। उसका मूड कुछ अच्छा नहीं है। और तुम्हें पता है ना मेरी जान, कभी हम रस्सी को ढील देते हैं, कभी खींचते हैं, फिर ढील देते हैं, फिर खींचते हैं। उसे लग रहा है कि वो कुछ कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। इस वक्त उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं बिना वजह डेनिस को परेशान नहीं करूंगी मेरी जान। मैं तो बस कंपनी में क्या करना चाहिए हमें इस बारे में बात करना चाहती हूँ उससे। यानी उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर भरोसा नहीं करते, ताकि उसका रुझान सिर्फ हमारी तरफ ही रहे। यही बात है। इसलिए तो फरीद को सारी बातें बताती रहती हो हर वक्त, ताकि उसे ये न लगे कि तुम उसके खिलाफ जा रही हो। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए सब कर रही हूँ कि वो हमारी बात सुने, और कोई मकसद नहीं है मेरा। इस तरह से सोचो, क्या तुम चाहोगे कि फरीद हमारी हर चाल की तरफ पहले से ही चौकन्ना हो जाए, वो या सिर्फ ये सोचे कि मैं सिर्फ पब्लिक रिलेशन से मुंसलिक हूँ। मैं चाहता हूँ तुम चलाकी से काम करो। ये भी ठीक है, तो मैं वैसा ही तो कर रही हूँ हाकान। बस मैं हमारी सोसाइटी में ये जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं एक अमीर औरत हूँ। तुम जैसे चाहे उसे बेवकूफ बना सकती हो, अगर हम चाहें तो साथ खेल सकते हैं अभी। अगर डेनिस से मिलना है तो तुम चली जाओ, मगर मैं नहीं आ सकता। मैंने बिग बॉस से वादा किया है कि मैं उसके साथ एक गेम खेलूंगा। एक मिनट जरा रुकना, क्या मैंने सही सुना है? हाँ मेरी जान, मैंने कहीं पढ़ा था बच्चों की जिस्मानी और जहनी तरक्की के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ बुलूत को लेने के लिए, और फिर हम यहाँ बैठकर खेलेंगे। बाय। इंटरेस्टिंग, अब ये कौन सी सेलिब्रेशन हो रही है? अरे यार नाजली, तुम तो जैसे रोज रेस्टोरेंट खोलती हो ना, अगर आज खुशी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे, बताओ जरा। वैसे यार सेलिब्रेट कहाँ करना है? पता नहीं, उसे कॉल की थी, लोकेशन भी भेजी थी, पर उसे ये जगह मिल ही नहीं रही है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। ठीक है। अरे हाँ फरीद साहब, को ये लगता है कि तुमने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि तुम्हें रेस्टोरेंट खोलना था? हाँ। तो तुमने कुछ खराब नहीं किया? मैं कैसे कर सकती हूँ। हाय चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, बस हम पर अल्लाह का करम है। यार मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा था। पता नहीं फतोश, पर ये भी अच्छा ही हुआ, मैं एक बड़े चुंगल में फंस गई थी। ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अच्छा हुआ आजादी मिली इससे। हाँ अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं इस चुंगल से बच गई। बात सुने आपा, मैंने उससे बहुत कह के देख लिया लेकिन वो आई ही नहीं रही, बहाने ही खत्म नहीं हो रहे उसके। मुझे तो लग रहा है यहाँ आने का दिल ही नहीं है उसका, नए दोस्त मिल गए होंगे। आलिया सलाम। सलाम। डेनिस कहाँ है? यहीं कहीं होगा। रोज ड्रिंक दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। नाजली तो रेस्टोरेंट में लगी होगी, और मेरा ख्याल है डेनिस भी उसके साथ ही होगा वहाँ, और वैसे भी वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। नाजली अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है। बहुत अच्छा किया उसने। वैसे तुम जानती हो, मुझे अब समझ आया कि मेरे भाई को नाजली इतनी पसंद क्यों है, क्योंकि डेनिस को वो औरतें हमेशा से पसंद रही हैं जो खुद मुख्तार हैं। जिस इंसान ने अपने भाई को सालों नहीं देखा है उस पर ये बातें अच्छी नहीं लगती। कोई काम की बात है तो करें, उसका जवाब जरूर दूंगी। डेनिस और मैं अभी भी साथ हैं। आपको बता दूं, बहुत सी खूबसूरत औरतें आईं और चली गईं, पर डेनिस कभी नहीं बदला। प्यारी आलिया, तुम जवान हो, शक्ल भी अच्छी है, डेनिस के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करो। नाजली और डेनिस की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। बेहतर है किसी ऐसे साथी को ढूंढो जो तुम्हें पसंद करे, यहाँ कोई चांस नहीं है। दिनेश, तुम्हें भी फरीद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वो तुम्हारी मोहब्बत के जाल में नहीं फंसेगा।
नाजली बेटी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कदीर भाई, आज यहाँ काफी रश है। आज तो तुम्हारे साथ एक मेहमान है। हाँ, और वो भी यहाँ से नहीं सीधा टोक्यो से लेकर आए हैं आपके रेस्टोरेंट में। अच्छा जोक था, लेकिन मैं हंसूंगी नहीं। दरअसल मैं बिशक ताज से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। आप सबको खुश आमदीद। वैसे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे आने का नहीं बताया। कौन सा दोस्त? वहाँ देखो, तुम्हारे पुराने दोस्त फरीद साहब। कदीर भाई, वो मुझे नहीं पता था फरीद साहब यहाँ आने वाले हैं। दरअसल हम लोग ना उनके साथ बिल्कुल भी नहीं आए हैं, इस वजह से आप हमें अलग टेबल दे दें। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे। हेलो नाजली। हेलो। मैं शायद तुम लोगों की जगह पे बैठ गया हूँ, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बाहर का खाना खाने का सोचा था हमने। चलो एंजॉय करो। आप भी। बहुत शुक्रिया कदीर भाई। बैठो। वो तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं, कभी मैं साथ बैठ जाता हूँ। वो एक बाइखलाक और अच्छे इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, बस दूर से। देखो आज वो पुरानी कैसेट्स लाए, उन्हें पता है कि मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है। मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है, अब बता रहा हूँ तुम्हें। जी कदीर भाई, मेरे भी दिल में है उनके लिए एक बहुत खास जगह है, मेरे पुराने बॉस की तरह। पुराने बॉस से मुराद? तुमने खाना पकाना छोड़ दिया क्या? जी कदीर भाई, मैं जिंदगी में थोड़ा आगे जा चुकी हूँ, बहुत कुछ चेंज हो गया है। कभी तफसील से बताऊंगी आपको सारी बातें, अभी बहुत भूख लग रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम लोग यहाँ आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाजली, अगर तुम चाहो ना तो हम वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा दिमाग तो वहीं लगा हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है फतोश, बस मैं खो गई थी थोड़ा। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या वहाँ पर जो लड़का बैठा है वो लड़का नाजली का एक्स है क्या? नहीं मनामी, हम कभी प्रेमी नहीं थे, और वो मेरा एक्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच कुछ बहुत अजीब सा था। इन दोनों के बीच जो अजीब सा था वो मैं थी। आसमान, यहाँ चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है आप उसे रहने दे, हम लड़कियाँ यहाँ मस्ती करने आई हैं, है ना? अपना मूड खराब नहीं करते। अरे हाँ ना यार, आप तो हमें यहाँ जापानी मर्दों के बारे में बताने आई थी ना, तो आपको कौन पसंद है, जापानी या टर्किश लोग? अरे मत पूछो, आजकल मैं मोहम्मद और तकिश के बीच में उलझी हुई हूँ। मोहम्मद कहना आसान है, नाम भी बेहतर है। तुम रिपोर्ट का क्या कह रही थी? हाँ हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, जिससे ये समझ आए कि हमें साल के आखिर में क्या करना है। यहाँ तक कि कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं, बस इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो सब ठीक करने की कोशिश करूँगी, इसलिए मैं फने सकाफत को भी आगे लाने की कोशिश करूँगी। अच्छी सोच है, जैनब ने भी यही सोचा था, वो भी फन और सकाफत पे काम कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, उस पर काम करने की जरूरत है, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और बात, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारे, ताकि हम एक साथ बिजनेस बुलंदी पर ले जाएं। बाजी आपको पता है एक बात, कि मेरा दिल कंपनी में बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम कैफे छोड़कर कंपनी आ जाओ, बस ये चाहती हूँ साथ रहो मेरे। मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकता हूँ, ये बात आप साफ साफ सुन लें। मैं जानती हूँ तुम तो बस नाजली में मगन रहते हो, वो जहाँ रहती है तुम भी वहीं रहना चाहते हो, दिखता है मुझे। और अब तो वो अपना रेस्टोरेंट खोल रही है, तो सारा वक्त वहीं रहेगी। जब इन चीजों के बारे में सोचते हो तो बहुत परेशान हो जाते हो।
साथ दूंगी मैं। चार चार, एक दो तीन चार। ये देखो हमें फिर से बिग बॉस को पैसे देने पड़ रहे हैं। अब मेरे एरिया में आ गए, देखता हूँ कितने पैसे हो गए। 52,000 दीजिए। बेशक मैं खरीदूंगा, बिल्कुल अभी इसमें कोई मसला नहीं है। 500, 1, 1,500, 2, 2,500, 3, 3,500, 4, ये लो 4,000। ये क्या किया आपने? क्या इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? क्यों, आपको तो किराया नहीं मिलता। अरे वाह बिग बॉस, तुम कौन से किराए की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम और फरीद असलान मुझे हमेशा चौंका देते हो। किराए की आमदनी से किसी की जिंदगी गुजर सकती है, तुम्हें सिर्फ तरीका आना चाहिए पैसे कमाने का। मैं गबन कर रहा हूँ। वैसे गबन का मतलब क्या होता है? बिकर भाई, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब होता है यानी कभी कभी लोग ऐसे खुलेआम पैसा कमाते हैं अपनी आमदनी के अलावा भी, कहीं खुफिया जगह से अचानक से पैसा आने लगता है। बिल्कुल ऐसा, जैसे छुट्टियों में घर किराए पे दे देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, इसमें तो तुम्हें पता होता है कि पैसा कौन दे रहा है। गबन में पैसे देने वाले को पता नहीं होता, जैसे खुफिया पैसा, ये वैसा है कुछ। क्या मैं बैंक से पैसे चुराए? कौन, मैं? या अल्लाह, मैं कैसे चुरा सकता हूँ? हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, पैसे को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। घर में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, वैसे भी तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे भी तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये तो मैं बैंगलोर में पहुँच गया हूँ। ये मुझे पागल कर देगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या आज बैंगलोर लेना आसान है? आपको पता है ये बैंगन का भरता बहुत ही लजीज बनाते हैं। वैसे तो नाजली भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन कादिर भाई से अच्छा बिल्कुल भी नहीं बना सकती। अच्छा मुझे ट्राई करने दो। वो अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही। कोई भी नहीं। नाजली तुम्हें पता है कि तुम कैसी लग रही हो? बिल्कुल मेट्रो बस जैसी लग रही हो, जैसे मेट्रो बस इंतजार कर रही होती ना खड़े खड़े स्टेशन पे कि कब लोग आएंगे और कब मुझ में बैठेंगे फिर मैं जाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही। मैं तुम लोगों को बताऊं कि चेहरा कैसा है? सोचो वजन कम करने की ठान ली और पूरे 2 हफ्ते में इस तरह से 5 किलो वजन कम करने के बाद ऐसा चेहरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसी शक्ल तुम्हारी तरह। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम्हारा देखना अच्छा लग रहा है। अरे आप भी इन दोनों के साथ मिल गई, क्या मैं अब वहाँ देख भी नहीं सकती? हाँ बिल्कुल तुम देख सकती हो नाजली। ठीक है फतोश, अब मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बस यहीं देखूंगी और तुम्हारी बातें सुनूंगी बस, लेकिन उधर नहीं देखूंगी। अब आप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं अगर आपकी जगह पर होती तो अभी तक मैं 40 चक्कर लगा चुकी होती उस टेबल के। मैं क्यों जाऊँ वहाँ? वो भी तो आ सकता है, बस वहाँ जम के बैठ गया है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। मेरी प्यारी आपा खुद सोचे वो यहाँ पर क्यों आएंगे, और अगर आप ही गए तो सोचो वो यहाँ पर कहाँ बैठेंगे। क्या ये बात है? ये भी हो सकता है। अरे मेरी जान नाजली, तुम चाहो तो जाके 2-4 बातें कर लो उससे, या फिर चाहो तो हमारी टेबल पर ही बुला लो उसको, जैसा तुम चाहो। मैं क्यों बुलाऊं उसे? मैंने उसे एहतराम से सलाम कर लिया, यही काफी है। मुझे नहीं लगता कि उसको दावत देने की जरूरत है। मनामी आपको क्या लगता है? तुम्हें जाना चाहिए, जाके सलाम करो और जैसा जवाब आए उस हिसाब से बात करना। तुम देख लेना तुम्हें बैठना है या नहीं। ये भी ठीक है, लेकिन ये सही लगेगा क्या? ये तुम वहाँ जाकर क्या कहोगी उसे? सलाम, खुश आमदीद और फिर शब बखैर कहकर वापस आ जाओगी। कुछ अजीब सा नहीं लगेगा क्या ये? मुझे तो ये पसंद नहीं आया। इससे क्या फर्क पड़ता है यार, अगर आपा वहाँ जाएंगी तो क्या वो उनको बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अरे नाजली बेबी तुम क्या सोच रही हो? हाँ तुमने अपने दिल की सुननी है, सही है? बताओ क्या दिल कह रहा है तुम्हारा। फतोश मेरा दिल बहुत तेजी से बोल रहा है इस वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी देर और सोचना है फिर फैसला करूंगी मैं बिना उसकी तरफ देखे। हाँ